आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आपको सिखाया है कि मल्टीप्लाई में क्या क्या कंडीशन आपको रखना है, कि कॉलम शुड बी इक्वल टू रो, पहला तो ये बात। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और वो भी क्या होता है कि रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में प्लस का साइन हम लोग डालते हैं। अब इसी पैटर्न पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आज थोड़ा सा हम लोग फास्ट ही बनाएंगे। फास्ट मतलब कैलकुलेशन उतना डिटेल में जा करके नहीं बताएंगे, ठीक है। तो जरा देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इधर देखोगे 60, पहले 60 ट्राई करते हैं। 60 एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, 2, 1 and 1। आपको फाइंड करनी है वैल्यू ए एंड बी का, एंड ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, ये वैल्यू दी हुई है। तो ए स्क्वायर मतलब ए को दो बार हमें मल्टीप्लाई करनी है, 3, 2, 1, 1 प्लस स्मॉल ए रहने दो, और ए की वैल्यू जो है इट इज 3, 2, 1, 1 प्लस बी, और i के जगह 1, 0, 0, 1 विच इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है 0। अब बताओ क्या करना होगा। वेल इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। 3, 3 जा 9, 9 प्लस 2 किया तो 11, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। आर वन को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर R2 को कॉलम 2 के साथ, तो हो गया 6 प्लस 2 अगर करते हैं तो वी आर गेटिंग एज अ 8। उसके बाद 3 प्लस 1 वी आर गेटिंग 4, एंड 2 प्लस 1 किया तो 3। अंदर मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर दो तो हो जाएगा 3a प्लस 2a a एंड a वी आर गेटिंग, और इधर भी हो जाएगा प्लस, इट विल बी b 0, 0, b, और इस साइड जो दिया हुआ है इट इज 0, ठीक है। तो 0 को हम कैसे लिखेंगे, 0, 0, 0 and 0 हमने लिख दिया। अब क्या करना चाहिए, मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग करेंगे। जब एडिशन करेंगे तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हमें ऐड करना है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, तो होगा इट इज 11 प्लस 3a प्लस b, और यहां कर दो 8 प्लस 2a हो गया, और 4 प्लस a, नेक्स्ट 3 प्लस a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0, 0, 0 and 0। उसके बाद क्या करना है जी, ऑन कॉम्पेयरिंग कॉम्पेयर करना है। लेट मी राइट 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, उसके बाद 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं 4 प्लस a इक्वल टू 0, नेक्स्ट 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। अब यहां से a की वैल्यू जो होगी इट इज -8, a विल बी -4। नाउ a का वैल्यू यहां भी -4 आ रहा है, ठीक है। तो हम b कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो ये देखो इक्वेशन 1 था इट इज इक्वेशन 2 हो गया, ये 3 हो गया, इट इज 4 हो गया। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, b a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 4। जैसे रखते हैं हम लोग तो 3 माइनस 4 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया a का वैल्यू -4 एंड b का वैल्यू 1, क्लियर। यहां पर हमने देखा मल्टीप्लीकेशन भी यूज हुआ है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी यूज हुआ है, एडिशन का कंसेप्ट भी हुआ है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी यूज हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। हाँ मुरली कुछ पूछना चाहोगे, ठीक है आगे आंसर, गुड बढ़िया। कोई डाउट होगा एकदम फ्रैंकली पूछ लेना, डाउट नहीं होना चाहिए ट्वेल्थ में। नेक्स्ट आ जाओ।
देखिए अब उसके बाद 61 नंबर। अच्छा ये 61 नंबर बनाने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि इतना मल्टीप्लिकेशन अभी किए हैं तो जनरली ए बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। ए बी की वैल्यू जो आप निकालो और बी ए का वैल्यू निकालोगे तो जनरली इक्वल नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में, खास करके। क्लियर है? तो इसका मतलब कॉमिटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इट इज अ कॉमिटेटिव रूल। ए बी नॉ ए बी इक्वल टू बी अगर होता तो कॉमिटेटिव होता है, ये जनरली फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है, इट इज 5 माइनस 7 माइनस 2 3, इट इज कैपिटल ए माइनस 16 माइनस 6, ये हो गया 7 एंड 2, ये दिख रहा है। अब क्या करोगे इसमें, सबसे पहले देखिए हमें ए का मैट्रिक्स निकालना है, तो ए मैट्रिक्स कैसे होगा, इसके लिए कंडीशन देखिएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 3, तो यहां पर एक मैट्रिक्स बनेगा। पहले ये बताओ इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 दिख रहा है। ठीक है, और लास्ट में जो मैट्रिक्स निकला है इसका ऑर्डर भी कितना दिख रहा है बताओ, तो 2 बाई 2 है। तो यहां देखना प्रियांशु क्या होगा कि ये एक ऑर्डर है तो यहां पर भी एक ऑर्डर बनना चाहिए, तो ये कैसे बनता है, तो रिजल्टेंट ये आता है। अभी मान लो जो मैंने कंडीशन सिखाया था 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4, क्लियर? मान लो पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है? होगा, अगर होगा क्यों होगा, क्योंकि कॉलम इक्वल टू रो है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, हेलो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, ये जो बच जाता है 2 और 4, तो 2 क्रॉस 4 बचता है। ये बात समझ में आई? इससे देखना एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका। क्लियर है? अब क्या होगा, तो मुझे ए के बारे में देखना है, तो ए देखो इसका कॉलम कितना है 2, तो रो भी कितना होना चाहिए इसका 2, और रिजल्टेंट कितना आ रहा है, रिजल्टेंट क्या बचता है जी, इसका पहला और इधर से लास्ट, तो लास्ट वाला भी 2 है, ये 2 हो गया। हालांकि ये सब 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस था तो आसान था, लेकिन अगर ऐसा मिल जाए तो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? सोच समझ के, अगर मान लो कहीं ऐसा दिख जाए, सपोज अब बताओ तो ऐसा वाला का ऑर्डर कितना होगा, एक ऑर्डर आ रहा 5, 6, तो बताओ यहां जो एक मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, तो एक का 3 क्रॉस 4 है, एक का 5, 5 क्रॉस 6 है, तो यहां जो ऑर्डर बनेगा क्या बनेगा, हाँ 3 बाई 6 बनेगा, हाँ मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। मान लो ये एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ बी से मल्टीप्लाई हुआ है और ये सी आया है रिजल्ट, तो यहाँ बी कौन सा मैट्रिक्स होगा बीच में, ये रिजल्ट है। पॉसिबल नहीं है? देखो इसको मल्टीप्लाई होने के लिए क्या था, इसका कॉलम 4 है तो इसका भी कॉलम कितना होना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, और रो, अब देखो सॉरी, रो रो 4 होना चाहिए था, 4 हो गया। अब ये कैसे निकलता, तो ये दोनों हट जाता है इधर से 3, ये देखो और 6, तो ये कितना होना चाहिए 6, मतलब ये जो दूसरा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 4 क्रॉस 6 होगा। नहीं समझ में आया प्रियांशु? नहीं आया? हाँ देखो हमने ये वाला मैट्रिक्स गायब कर दिया था, हमने बोला था कि बी मैट्रिक्स नहीं है। एक एग्जांपल दूंगी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया गया तो सी का ऑर्डर 5 क्रॉस 6 आया है और ए का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4 है, तो बताओ बी मैट्रिक्स कैसा होगा, किस ऑर्डर का होगा, ताकि ये मल्टीप्लाई होकर के सी रिजल्ट दे रहा है। तो इसके लिए क्या कंडीशन बताया था, बी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए का, तो इसके लिए कंडीशन क्या सिखाया था, जितना इसका कॉलम होगा इसका रो भी उतना ही होगा, तो अगर कॉलम 4 है तो रो कितना होगा इसका, 4 हो गया। अब इसका कॉलम कैसे पता चलेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नेट रिजल्ट ये आ गया, तो नेट रिजल्ट से पता चलता है, तो नेट रिजल्ट कैसा बनता है, ये दोनों हट जाता है, 4 4 हट जाता है, 3 बचता है और इधर जो रहता है वो बचता है, तो 3 कहाँ गया जी, वो ये 5 दिख रहा है ना, तब तो ये बनेगा ऑर्डर,
नहीं बनेगा। अच्छा मान लो ये 3 होता, अब बताओ कितना होता, तो 3 क्रॉस कितना हो जाता, 6 हो जाता, तब ये बन जाता हमारा, है ना, तब ये बन जाता, क्लियर है। एक ऐसा ही बताओ, अगर मान लो ऐसा रहता, सपोज 4 क्रॉस 7 रहेगा, और यहां बताइए एक स्पेस हमने दे दिया और 4 क्रॉस 9 कर दिया, अब बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, जल्दी बोलो। इधर कॉलम, तो इधर से रो 7 क्रॉस, और कितना हो जाएगा, 9 होगा, तब सेम सेम हो गया, है ना। अब बताओ, तो इसमें लिखेंगे ए बी सी एंड डी, इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5a माइनस 7c, फिर r1 को कॉलम 2 के साथ, तो 5b माइनस 7d, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 2a प्लस 3c, इसे मल्टीप्लाई करो माइनस 2b प्लस 3d, और यहां माइनस 16 माइनस 6 7 एंड 2, ये रख दिया। अब उसके बाद हम कॉम्पेयर करेंगे, ऑन कॉम्पेयरिंग वी विल डू ऑन कॉम्पेयरिंग, जैसे कॉम्पेयर करते हैं तो बताओ ये प्रियांशु किसको किसके साथ कॉम्पेयर करेगी, जल्दी बोलो किसको किसके साथ कॉम्पेयर करें। अब 5a माइनस 7c इक्वल टू व्हाट, माइनस 16, उसी तरह से 5b माइनस, यस, यहां से 5b माइनस 7d इक्वल टू माइनस 6, नेक्स्ट माइनस 2a प्लस 3c इक्वल टू 7, और यहां पर माइनस 2b प्लस 3d इक्वल टू 2, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, तो क्या करना चाहिए, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 के साथ, और प्लस कर दो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, इसके साथ किया तो माइनस 10a प्लस 14c, माइनस माइनस प्लस किया तो आ जाएगा 32, और 5 के साथ किया तो ये हो जाएगा, एक मिनट, माइनस 2 करना चाहिए था कि प्लस 2, शायद प्लस 2 है ना, प्लस 2 ही करने दो, प्लस 2 में हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 14c माइनस 32, और इसके साथ किया तो माइनस 10a प्लस 15c माइनस 35, तो दोनों कैंसल, ये हो जाएगा c, और दोनों को अगर ऐड कर दिया तो आ जाएगा 3, c का वैल्यू 3, ठीक है, चेक करो तो c का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और उसी तरह पुट कर लो, पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में, तो 1 में जैसे पुट करेंगे तो आ जाएगा 5a 7 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 16, तो हो जाएगा 5a माइनस 21 को उठा करके उस साइड कर लो, प्लस 21 हो जाएगा, तो टोटल मिला करके कितना बचेगा, 5, a की वैल्यू यू विल गेट एज अ 1, ठीक है। सिमिलरली 3 एंड 4 को सॉल्व करो, कितना आ रहा बताओ, तो b एंड d का वैल्यू कितना है, जल्दी सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, एक्यूरेट रखिएगा, कहानी में दम नहीं है, कैलकुलेशन में ही दम है, क्लियर है कि कैसे करना है, और कैलकुलेशन स्ट्रांग रखो। अब देखो आ जाओ 63 नंबर ट्राई करोगे, क्या दिख रहा है, यहां पर एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और कॉस एक्स माइनस इट इज साइन एक्स 0, ये हमारा साइन एक्स एंड कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है, आपको जो शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई, शो करना है इट इज एफ एक्स
एफ वाई शुड बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये शो करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट यूज होगा और कैलकुलेशन आप लोगों का स्ट्रांग होगा, इसलिए बहुत अच्छी तरह से देखिए। तो एफ एक्स तो दिखा हुआ है, एफ वाई बताओ एफ वाई क्या होगा, ध्यान से सुना निशांत, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां से क्या पुट कर देंगे, वाई। बस पहला काम तो ये चुपचाप कर दो जल्दी से, एफ वाई माइनस साइन वाई जीरो, यहां पर साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो वन कर। अब क्या कह रहा है, एलएचएस लेंगे हम, वी विल टेक एलएचएस और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो एंड साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। नेक्स्ट इट इज कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो और साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो इट विल बी वन। अब मल्टीप्लाई करना, फिर मल्टीप्लीकेशन का खेल, बहुत एकदम मेहनत के साथ आपको मल्टीप्लाई सीखनी है, बहुत अच्छी तरह से, इतना स्ट्रांग हो जाए कि आगे जाकर के फास्ट बनने लगे और एक्यूरेसी के साथ बनने लगे। तो क्या करोगे, पूरा आर वन कॉलम वन के साथ, फिर कॉलम टू के साथ, फिर कॉलम थ्री के साथ, ठीक है, फिर आर टू को सारे कॉलम के साथ, आर थ्री को सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई कर दिया, यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई कर दिया और ये हो गया जीरो, तो खत्म हो गया जीरो। उसी तरह आर वन को कॉलम टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन वाई एंड कॉस एक्स हो गया, माइनस इट इज साइन एक्स अगेन कॉस वाई हो गया, फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है, और फिर जीरो के साथ ये पूरा, ये तो जीरो हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ये जीरो, और फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो फाइनली इट विल कम एज अ जीरो, ये जीरो पूरा हो जाएगा। अब सिमिलरली इसे आर टू को कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई और प्लस जीरो। सिमिलरली माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस वी विल गेट एज अ जीरो। फिर हम थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारा पूरा का पूरा जीरो, लास्ट वाला लेते हैं जीरो जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा वन। इससे क्या फायदा होगा रिशु बताओ, कोई फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, कोई फॉर्मूला बताओ, ये वाला तुम्हें कुछ दिख रहा मुरली, कोई फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला के महक आ रही है, हाँ हाँ, कॉस एक्स प्लस वाई, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये देखो इसका अगर नेगेटिव कॉमन निकाल ले तो बीच में कितना हो जाएगा प्लस, तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस खाली बाहर निकला हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, हाँ देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस होना चाहिए, तो कैसे प्लस होगा, नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो बीच में ये प्लस होगा, प्रियंशु समझ रही बात, तो हमने क्या किया साइन एक्स प्लस वाई और इधर जीरो। चलो प्रियंशु तुम बताओ इसमें कोई फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, देखो तो, हाँ वेरी गुड, ठीक है साइन एक्स प्लस वाई हो गया, चलेगा एकदम, इसमें देखो तो ये दिख रहा, इधर से पढ़ो, ये तो नेगेटिव है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये देखो ऐसा वाला ऊपर वाला सेम है, तो क्या होगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये जीरो 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 वन,
और इसी का नाम हम क्या रख सकते थे देखो, तो क्या हम एक्स एफ एक्स प्लस वाई रख सकते हैं इसका नाम? क्यों रखेंगे बोलो बोलो, क्योंकि पहले देखो जहां जहां एक्स था तो उसका नाम एफ एक्स था, फिर एक्स को हटा के क्या गया था वाई, तो उसका नाम क्या रख दिया था एफ वाई। अब ना एक्स है ना वाई है, दोनों मिलकर आ गया जी, तो एक्स प्लस वाई, तो इसका नाम क्या रखाएगा एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है सभी को, कोई दिक्कत कुछ पूछना है पूछ लीजिए। देखिए हमारे पास अभी इतना ही स्टूडेंट है तो आराम से एक एक बच्चों पे हम ध्यान दे देंगे, इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो बेहिचक पूछो। ठीक है, आ जाओ। हाँ अब इस तरह का एक प्रैक्टिस करते हैं, आइए 65 नंबर देखो। वन एक्स वन हो गया, इट इज 1 2 3 हो गया, 456 हो गया, 325 हो गया, इट इज 1 - 2 and 3 इक्वल टू 0। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, 1x1 पहले इसको रहने दो, 1 x 3 है, इसका ऑर्डर 3 x 3 है और 3 x 1 हो गया, तो पहले लास्ट टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, 3 और 1 है। ठीक है, तो जल्दी से एक लाइन में बताओ, कैलकुलेशन थोड़ा बताओ हमको कितना होगा, 1 हो गया, -4 हो गया, तो कितना -3 और -3 और 9 तो 6, तो वी विल गेट 6। ठीक है, उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 - 10 तो -6 और 18 देखो। ठीक है, तो कितना हो गया 18 - 6 कितना 12, क्लियर, तो 12 वी आर गेटिंग। उसी तरह यहां पे 3 - 4 मिलकर -1 और 15 तो कितना हो जाएगा, 15 में से 1 चला गया, 14 आ रहा ना, 14 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, इतना ही है ना, देख लो। और फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 को 6 के साथ करो तो 6 हो गया, ये हो गया 12x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो 12x और प्लस वी आर गेटिंग 20 इक्वल टू 0, 12x माइनस 20, x का वैल्यू -20 बाई, तो फाइनली वी आर गेटिंग -5/3, यही हमारा आंसर -5/3। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। कभी कभी देखो ये तो लीनियर आया ना, कभी कभी यहाँ इक्वेशन कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर 67 सब ट्राई करेंगे, क्लियर है, और लास्ट में यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जो इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस पैटर्न पे सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। देखिए इसके बाद एक और टाइप हम लोग चल रहे हैं, इधर देखना सर, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0। सुन लो ध्यान से, कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ए बी इक्वल टू 0 होना चाहिए लेकिन बी ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला तो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा और बी ए का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसा आपको एग्जाम्पल देना है, तो जब भी ऐसा देना है ना, तो एक तो बात कंफर्म कर लो कि इसको 2x2 मैट्रिक्स में ही रखना, 2x2 मैट्रिक्स में ही रखना, कोई भी एग्जाम्पल दे दो तो उससे आसान रहेगा। और एंट्री जो करना वो हमेशा 0 and 1 ही होना चाहिए, 0 and 1। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना आप। तो क्या कर लो, इसमें पहला तो कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, सारा जगह 0 तो भर नहीं सकते हैं, तो बाकी जगह 0 भर दो और एक जगह कोई ना कोई एक एलिमेंट रख दो, कोई ना कोई एक एलिमेंट रख दो, रिवर्स एंड भाई। ठीक है, तो हमको b इस तरह से रखना है कि देखो b क्या हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं, देखो तुम 1 रखने से क्या दिक्कत आएगी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into 1 कम से कम 1 एक आ जाएगा। ठीक है,
तो हमको यहाँ जीरो रखना पड़ेगा और नीचे में क्या रखना पड़ेगा, वन रखना पड़ेगा, ताकि वन को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो वो खत्म हो जाए और जीरो को वन से करो तो वो खत्म हो जाए और बाकी को हम क्या कर सकते हैं, जीरो एंड जीरो कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, तो ए बी जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। प्रियांशु देख रहे हो, यहाँ देख लो पहले, ठीक है। हमने क्या किया, इसका सारा एलिमेंट जीरो रख नहीं सकते हैं क्योंकि कंडीशन दिया ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो रखो, ठीक है, नॉन जीरो हम रखेंगे। जैसे यहां पर वन रख दिया, दूसरा मैट्रिक्स इसी के हिसाब से रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए बताओ, जीरो आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे वन तो रख नहीं सकते हैं, ताकि वन इंटू वन अगर मल्टीप्लाई आपने किया तो इट विल कम एज अ वन आ जाएगा, तो जीरो तो होगा नहीं। तो हम यहाँ जीरो रखते हैं ताकि वन को जीरो से भिड़ा दो तो खत्म हो गया जीरो, और फिर जीरो को वन से नीचे वन रख दो ताकि जीरो इंटू वन किया तो आ जाएगा वो भी जीरो, तो फाइनली जीरो आ जाएगा हमारा। अब उल्टा चेक करके देखो, नाउ बी ए क्या ऐसा हो सकता है, चेक करो। तो पहले बी का वैल्यू रखेंगे जी, पहले बी का वैल्यू रखेंगे और फिर ए का वैल्यू रखेंगे, ये देखो क्या ये जीरो हो सकता है, गेस करो क्यों नहीं होगा बताओ, कितना आ जाएगा इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये तो फरिया देगा जीरो, इसको भी इससे किया तो खत्म कर दिया जीरो, लेकिन इसको इसके साथ करोगे तो वन और वन क्या हो गया वन, दिख रहा है, इसको किया तो जीरो, तो ये क्या होगा नॉट इक्वल टू जी, ठीक है। तो हम इस तरह से एडजस्ट करके कोई मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो ध्यान देना जब भी ऐसा एग्जांपल पूछता है तो 2x2 में रखना, 0x1 की एंट्री रखना और उसके बेसिस पे हम एडजस्ट करके कोई जवाब देंगे, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख लो खाली, फिर आगे बढ़ते हैं, ये लिख लो खाली, इसी तरह से करके सारा एग्जांपल दिया हुआ है उस तरह से एडजस्ट करके देख लें। और आज थोड़ा सा देखते हैं बोर्ड का क्वेश्चन भी, अभी हम लोग देखेंगे बोर्ड का क्वेश्चन कुछ है कि नहीं, देखिए। तो इसके बाद ये सब बना लीजिएगा आप लोग, ट्राई कर लीजिएगा और नेक्स्ट हम लोग इन करते हैं। हाँ देखो, एक 71 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखिए 71 नंबर क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दी हुई है, इट इज 2, 3, -1 and 2 एंड एफ एक्स का जो वैल्यू है इट इज x² - 4x + 7, ठीक है। देखो एकदम आराम आराम से छोटा छोटा स्टेप ले करके करो, क्लियर है। क्या करना होगा हमें शो करना है, देखो पहला टारगेट क्या है कि एफ ए शुड बी इक्वल टू जीरो, पहला टारगेट क्या है बताओ प्रियांशु, एफ ए इक्वल टू जीरो लाना है। तो क्या करेंगे, अभी x दिख रहा है ना, तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा मैं, a, इट इज a² - 4a, लेकिन प्लस 7 है तो 7i2 हम लिख सकते हैं जबकि यहां पे i नहीं लगाया था, ये ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है। i2 क्यों लगा रिशु, कोई आइडिया नहीं इधर से, हाँ देखो इसलिए रख रहा हूं ना मैं, क्योंकि देखो पहले x के फॉर्म में था, अब a आया है तो a क्या है मैट्रिक्स है, तो जब ये मैट्रिक्स होगा तो बगल वाला भी क्या होना चाहिए मैट्रिक्स ही होगा, सिर्फ अगर 7 रख दोगे तो वो तो नंबर होगा और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बताओ यहाँ पे 2x2, तो हम यहाँ पे रखें i, क्योंकि 7 के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 तो है ही, नंबर के फॉर्म में 1 होता है और मैट्रिक्स में क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो समझो i2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे a² तो a को दो बार हम लिख सकते हैं, a को दो बार लिख दिया 2, 3 - 1, 2 - 4a, 2, 3 - 1, 2 and 7i, के जगह 2, 3 - 1 and 2, ये सारा वैल्यू रख दिया मैंने, इसको लेके अगर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके एड सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आ जाएगा बताओ, तो जीरो, ये अपना जीरो कर दीजिएगा, समझ में आई बात। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा बताओ, एक मिनट सॉरी यहां गड़बड़ क्या हुआ है, देखो तो क्या रखेंगे,
आई टू की जगह क्या रखेंगे, 1001। ये समझ में आई मुरली, समझ में आया बात। और इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये मुझे नहीं सिखाना है, ये आप लोगों को आता है कैसे सीखना है। अब देखो इधर सब पेन रोको, अब देखो मिक्स मेन टॉपिक आपको सीखना है कि इसका यूज करके, देखो इधर यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए का पावर फाइव, ए का पावर फाइव आपको रिजल्ट निकालना है इसका यूज करके, ए का पावर फाइव का वैल्यू क्या होगा। अभी बहुत लोग का मन कर रहा होगा कि जैसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए, फिर ए क्यूब निकाल लेंगे, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, पांच बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे निकाल रहे हो, नहीं, हमको यूज दिस रिजल्ट मतलब इस रिजल्ट का यूज करना है, इस रिजल्ट का यूज करके निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबका ध्यान इधर, इसको सीखना है। अभी हमारे पास एफ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जीरो। अभी आया कि नहीं, प्रूफ किए कि नहीं, अभी हम लोग एफ ए इक्वल टू जीरो, ये जो प्रूफ करेंगे एफ इक्वल टू जीरो, तो इसी रिजल्ट का हमें यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, एफ ए, एफ ए का मतलब क्या है बोलो तो, यहां देखो पढ़ो पढ़ो कितना दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस सेवन आई टू इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अब आप क्या करो कि एक साइड स्क्वायर वाला रख दो और एक साइड क्या कर दो, बाकी सब उधर भेज दो, तो ये हो गया 4a माइनस 7i2, ऐसे करके रख दिया, इसका नाम इक्वेशन वन। ठीक है, जो स्क्वायर वाला पोर्शन था a स्क्वायर, इसको एक साइड रखा और बाकी सबको हमने किधर भेज दिया, उस साइड भेज दिया। और इस कंसेप्ट को रिमेंबर रखिएगा, इसका बहुत यूज अभी हो। ठीक है, तो a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे, ए क्यू, पहले देख लीजिए जी इधर, तब समझोगे। ए क्यू को लिख सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर इंटू ए, है ना प्रियांशु, ऐसे लिख सकते हैं, तीन बार है ना, तो दो बार यहां एक बार यहां मल्टीप्लाई किया तो ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिख रहा है रौनक, ए स्क्वायर का वैल्यू कुछ दिख रहा है, हाँ ये देखो इक्वेशन वन में जो घेरा हमने लगा दिया है, तो ए स्क्वायर फोर ए माइनस सेवन आई टू हो गया, इंटू कितना रखेंगे हम, ए। अब इस ए को मल्टीप्लाई करोगे अंदर जाकर तो कितना होगा, चलो प्रियांशु बताएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो जल्दी बताओ, हाँ फोर ए स्क्वायर माइनस, हाँ सेवन है, देखो अभी फाइव लिख देता, तुम सही करवा दिया, सेवन ए आई टू, सेवन ए आई टू ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, हाँ बोलो बोलो आई, हाँ अब हटा रहे हैं धीरे धीरे, ये क्लियर हुआ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, फोर फिर से देखो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे मुरली, देखो तो ऊपर, हाँ एकदम ये पूरा छाया रहेगा। ठीक है, ये देखो माइनस सेवन और ए इंटू आई टू, देखो इसको सिर्फ ए लिख सकते हैं हम लोग, क्यों लिखेंगे गेस करो, जैसे सेवन इंटू वन क्या होता है, सिर्फ सेवन होता है, तो यहां पर 7 इंटू मान लो ए आई आई हो गया तो क्या होगा, सिर्फ 7 होगा। आई कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है, समझ में आ रहा, तो इसलिए कोई भी मैट्रिक्स में ए में अगर आई मल्टीप्लाई होता है तो आई तो 1 का काम कर रहा है ना, तो बचेगा कौन, ए ही बचता है। ठीक है, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 16a माइनस 28 I2 माइनस 7a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 16a में से 7a को माइनस कर दो तो हो जाएगा 9 हो गया ना, 9a माइनस 28i2 रख दिया मैंने। ठीक है, देखो इसमें भी 28 रखने का मन कर रहा है, देखो रख सकते हो लेकिन हमको इधर मैट्रिक्स है ना तो इसको मैट्रिक्स में रहने दो। फिर ये किसकी वैल्यू आ गई रिशु, किसका वैल्यू आया है, A3 का वैल्यू आया है, गुड, A3 का वैल्यू आया है। अब जैसे A3 का वैल्यू आया किसका बाकी है, A4, A4 को कैसे लिख सकते हैं, AQ into, फिर से A लिख सकते हैं, और AQ का वैल्यू क्या निकला है, यस 9A माइनस 28i2 और बगल में इंटू हमारे पास हो जाएगा A, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, 9a स्क्वायर माइनस 28i2, तो 9 a स्क्वायर की वैल्यू कितनी,
ए स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस 7i2 28ai2, तो ai2 कितना है a, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 36a 63i2 28a, ठीक है। अब 36a में से 28a को माइनस कर दो कितना हो जाएगा, हाँ बोलो बोलो 8a और माइनस 63i2, तो अभी हमारा निकला नहीं है, a का पावर 4 है, लास्ट खतरनाक 5, a का पावर 5, तो a का पावर 4 इंटू a, ये हम लिखेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, a का पावर 4 किया तो 8a माइनस 63i2 इंटू लिखा मैंने कितना a कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 63ai2, क्लियर। अब बताओ a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी, फिर देखो ऊपर में a स्क्वायर बार बार यूज हो रहा है जी, हाँ कितना था यहाँ देखो इधर इस साइड, इस साइड a स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमारा होगा, एक मिनट 8 नहीं लिखा था ना हमने, यहाँ है 8 a स्क्वायर की जगह 4a माइनस 7i2 माइनस 63, 63 में क्या लिखेंगे, ओनली a लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर 32a माइनस 56i2 माइनस 63a माइनस 63a, अब दोनों को माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो तो कितना हो गया, माइनस 31a माइनस 56i2, तो माइनस 31a, a की जगह आप देखो लास्ट में वैल्यू क्या पुट किया था, स्टार्टिंग में देखो a का पावर 5 निकल गया, ये स्टार्टिंग में a का वैल्यू कितना था किसी को पता है, हाँ कितना था 2 3, हाँ माइनस 1 1, ए का वैल्यू देखो स्टार्टिंग में था 2 3 माइनस 1 एंड 1, ठीक है 2 3 माइनस 1 एंड 2 था, हाँ 2 था, और ये हमारा ए का हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 56, आई टू का वैल्यू मुरली बताओ कितना लिखेंगे, आई टू का वैल्यू 1001, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा माइनस 62 माइनस 93 प्लस 31 माइनस 62, अंदर मल्टीप्लाई कर लो 56 0 0 56, ठीक है। अब क्या करो, फिर दोनों को माइनस कर लो, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, तो अगर मैं ऐड करता हूं तो बताया था ना 6 5 11 110 हो गया, और 8 कर लो माइनस 118 हो गया, 118 हो जाएगा डायरेक्टली, और माइनस किया तो माइनस 93, और इसको लिखेंगे तो 31, और इसको इसको लिया तो माइनस 1818, यही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यही फाइनल आंसर है, a का पावर 5 का वैल्यू यही आ रहा है। तो मैं हल्का सा एक बार रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या कहानी हुआ है, पहले देखो इस कहानी में क्या हुआ है, हीरो की एंट्री कहाँ से हुई है, ये पार्ट को हमें यूज करना है जो हमने प्रूफ किया था, ये वाला पार्ट जो प्रूफ किया था, इस प्रूविंग में फिर क्या करेंगे, जो पावर वाला टर्म है एक साथ रखो स्क्वायर और बाकी टर्म को एक साइड भेज दो, ठीक है। उसके बाद ए क्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए किया तो ए स्क्वायर का वैल्यू देखो हर जगह यूज हो रहा है, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, और फिर देखो ए आई टू को फिर से ए लिखा, फिर ए स्क्वायर यूज हुआ, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ए क्यू का वैल्यू आ गया, फिर मुझे ए का पावर 4 निकालना है तो कैसे लिखेंगे, ए क्यू इंटू ए लिखना है, फिर ए क्यू का वैल्यू जो यहाँ पर आया था उसको उठा करके पुट करेंगे, लेकिन ए क्यू को फिर जब पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ए स्क्वायर से मुलाकात होगा जो इक्वेशन 1 में है, फिर ए स्क्वायर का वैल्यू हमने जा करके पुट कर दिया,
तो पुट करने के बाद फिर सिंप्लीफाई किया, 8a इतना, फिर a का पावर 4, तो a का पावर 4 इंटू ए, मतलब 5 निकालना है तो पावर 4 इंटू ए, तो 4 को कैसे करेंगे, 8a माइनस 63 आई 2 इंटू ए हमने कर दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर से, फिर मुलाकात हुआ, ए स्क्वायर का वैल्यू फिर से पुट किया हमने यहाँ पर, माइनस 63 ए कर दिया, यहाँ देखते जाओ, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ए वैल्यू आ रहा है, और ए का जो स्टार्टिंग में वैल्यू हमने लिया था उस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करेंगे, माइनस 56 ए का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा, और फाइनली पुट उठ करके ये वैल्यू आएगा। इससे कोई फायदा बताओगे क्या हुआ है, कोई फायदा बताओ इससे। हाँ, ए का पावर 5 को जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते थे, रो को कॉलम के साथ 5 बार 5 पर करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ा, ठीक है, तो हम इसका यूज करके बना दें, ठीक है। हाँ वो भी है, वो जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन, हाँ हाँ दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, वही बताएंगे, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे करके हम लोग आ रहे हैं सर, और इवन जेई में जो है क्वेश्चन वो जेई में भी पूछा गया है, तो उसको भी हम बताते हैं, है ना, ठीक है। चलो इसको लिखो, इसको लिख लो, जल्दी लिख लो। देखिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन लिख लो, बगल में आंसर भी लिख लो, जिनका आगे अच्छी बात है, नहीं तो उसको ट्राई कीजिएगा घर में एक बार, ठीक है। अब जैसे देखो एक रिशु का डाउट है, ये पूछी है कि क्वेश्चन सर एक मॉड्यूल में भी मिलेगा कि 0400 यही था ना शायद, आपको ए का पावर 16 फाइंड करना है, ये था क्या, हाँ कितना इसी में, अच्छा मान लो कि ठीक है 2007 कर दिया, ठीक है, यहाँ देखो सुनो, मान लो a की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो a का पावर 16 या a का पावर 2007 हम कैसे निकालते हैं, क्लियर है, तो पहले क्या कर लो, a है a स्क्वायर निकाल लो, आप a स्क्वायर निकाल लो, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, दो बार हम मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना आएगा मेंटली बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो जीरो, इसको इससे किया तो आ जाएगा जीरो, इसको इससे किया तो भी, इसको इससे किया तो जीरो, बस खेल खत्म, जैसे ए स्क्वायर पता चल गया भैया जीरो, अब उसके बाद ए क्यू भी आएगा तो क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर का वैल्यू तो नल मैट्रिक्स है, और ए के साथ जो टकराएगा सब चूर चूर हो जाएगा, सब जीरो, तो लो काम हो गया। अब उसके बाद ए का पावर 2007 दे या 1,00,000 दे, सबका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो इसी में देखना, कुछ बोर्ड में भी आया है, कुछ जेईबी में भी कैसे मिक्स करके डाला गया है, उसमें थोड़ा सा और कंबाइन करके डिफिकल्ट थोड़ा सा बनाया गया है, जहां बाइनोमियल थ्योरम ये सब वो सब लगा के भी किया गया है, तो भी मैं बताऊंगा। अब देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड क्या बोर्ड का क्वेश्चन हमारा कुछ बन पा रहा है, देखो क्या कुछ भी हम लोग बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये देखो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये तो 2024 में ही पूछा गया था, ये तो देखो डिटरमिनेंट का है, तो खैर हम लोग इसको बना लेंगे, ये स्केलर मैट्रिक्स से रिलेटेड दिया हुआ था, तो थोड़ा होने दो बढ़िया से, ये पता चल रहा है ये क्या था, स्केलर मैट्रिक्स से था क्वेश्चन रिलेटेड, है ना, उसके बाद ये डिटरमिनेंट का है, पढ़ेंगे डिटरमिनेंट तो आ जाएगा, वो हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स भी हम बनवा दिए थे, याद आ रहा है, ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाया था, क्या ये बन सकता है, देखो तो एफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या, एफ एक्स को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और एफ अंदर में के एक्स किया गया है, हाँ क्या हो जाएगा, कॉस के एक्स साइन के एक्स इस तरह से करके जाएंगे, क्लियर है, और फिर जब सॉल्व करके हम करेंगे तो के का वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा,
निकालना पड़ेगा ये चीज़ें करके, ठीक है, तो निकल सकता है ये भी, ये चीज़ें एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, क्लियर है। एसर्शन रीजन करके यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अभी तो पढ़ाया नहीं हूँ, जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखो ये इसके पहले का बोर्ड में और क्या क्या आया हुआ, क्या ये सब बन सकता है आप लोगों से, देखिए अभी तक जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। ये ट्रांसपोज यहाँ से तो ये बन सकता, देखो तो ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×n, ध्यान से सुनना, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, m क्रॉस 5 है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5A, मतलब A का ऑर्डर है 3×n और B का जो ऑर्डर है m क्रॉस 5 कह रहा है, तो मुझे ऑर्डर निकालना है 5A-3B का ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर ये डिफाइंड है, तो कैसे हो बोलो। देखो इसका कितना है 3×n होना है, इसका कितना होगा m×5 होगा, और जबकि देखो ये सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ाया था, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, पहला कंडीशन पढ़ाया था कि ऑर्डर उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये दोनों ऑर्डर क्या होगा बताओ तो सेम होना चाहिए, तो जो यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 3, m का वैल्यू कितना निकलना चाहिए 3, और n 5, यहाँ 5 है तो n भी कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है, तो जो नेट मैट्रिक्स हमारा निकल के आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा 3×5 का होगा, तो हमारा 3×5 आ गया, ठीक है। अच्छा ये निकल सकता है AQ, अरे भैया 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ये तो सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज कर लेंगे हम। ये निकल सकता है फाइंड A² जहां पर 2×2 ऑर्डर है, पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था याद, ये देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या था, AIJ दिया हुआ था और 1 और 0 है, इफ आई नॉट इक्वल टू कितना है जे, और यहाँ पर इफ आई इक्वल टू कितना दिख रहा है जे, तो पहले मैट्रिक्स आप बनाओ, कैसा मैट्रिक्स दिखेगा आपका, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2×2, तो 2×2 का होगा, तो इसमें एलिमेंट यही रखाएगा ना 1, 1, 2, 1, 2, 1 and 2, 2, ऑर्डर तो ये होगा हमारा, और एलिमेंट ये होना है, तो पहले एलिमेंट हम निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा एलिमेंट 1, 1 हो गया, तो 1, 1 का मतलब कौन सा कंडीशन, इक्वल की नॉट इक्वल, इक्वल, तो इक्वल मतलब क्या हो जाएगा 0, अच्छा 1, 2 क्या है आपस में नॉट इक्वल, तो वैल्यू कितना देगा 1 देगा, 2, 1 एक मिनट प्रियांशु बताएगा, 2, 1 कौन सा कंडीशन है, इक्वल की नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, तो वैल्यू 1, और इसमें इक्वल तो वैल्यू कितना हो गया 0, ठीक है, ये हमारा ए निकला, तो जब ए निकला तो पकड़ के क्या पूछ रहा था बताओ, ए स्क्वायर पूछ रहा था, तो हम ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वी विल कैलकुलेट ए स्क्वायर, तो 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 हो गया, तो कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ई 0 हो गया, ये देखो 0 और मिला के कितना हो जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई किया 0 तो ये हो गया 0, इधर से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हो गया 0, 0, इसको किया तो 1 आ गया, मतलब i बन गया, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा i या 1, 0, 0, 1, यही हमारा आंसर, समझ मारी बात, तो देखो ये भी हमारा बन सकता है, हेलो क्लियर हो रहा है, लिखना है कि इसको आगे बढ़े, ठीक है, देखो उसी तरह से यहाँ भी है 3a-b और b का वैल्यू है, तो e वाला क्या है, e वाला b का वैल्यू उठा के चढ़ा दो इस पे, और इसको उठा करके इधर भेज के डिवाइड कर दो, आराम से आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ये ट्रांसपोज का है, ये पढ़ेंगे तो तुरंत बन जाएगा। अच्छा ये बन सकता है देखो तो 5 का, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर है, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, कंपेयर करेंगे, आराम से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये देखो ये भी ट्रांसपोज से रिलेटेड दिया हुआ है, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा देखो कितना सारा आसान होने लगा, बोलो 8 नंबर बना के जल्दी बताओ, 8 नंबर क्या होगा, 8 नंबर, 7 नंबर तो अभी प्रैक्टिस करेंगे बना देंगे, लेकिन अगर 8 देखो तुरंत बताओ क्या होना चाहिए मुंह पे,
एक मिनट थोड़ा खुलने दो इसको। हाँ बताओ, एट नंबर देख के क्या हो सकता है बताओ। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विथ एंट्री कितना 1, 2, 3। हाँ 2x2, हाँ इसका ऑर्डर तीन, यही तीन एलिमेंट भर सकते हैं ना, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, तो थ्री का पावर कितना हो जाएगा, फोर हो गया, 81 आ गया। समझ में आ रहा है? तो देखो जैसे हमने पढ़ रहे वो सारा ये वाला बन जाएगा। देखो अभी अभी तुरंत प्रैक्टिस की है इस तरह का। तो हम लोग क्या एक्स जेड और वाई निकाल सकते हैं और जो वैल्यू निकला उसको ऐड करके उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। हेलो हो जाएगा, दिख रहा है? ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लीकेशन हमने क्रॉस किया, देखो कितना सारा चीज आसान हो गया, इसी टाइप का सारा है। अच्छा इसका ऑर्डर बता सकते हो जल्दी से बताओ तो, ऑर्डर कितना निकलेगा इसका, ऑर्डर जल्दी बताओ। देखें हाँ ऑर्डर इसका कितना बोलो, 1x3 इसका 3x और इसका 3x1, नेट कितना निकलेगा? ये दोनों को अगर लेकर सॉल्व करोगे तो ये 3, 3 हट गया तो बचा कितना 1x3 और इधर 3x1, फिर ये दोनों में से ये हट गया बचा कितना 1x1, नेट आंसर 1x1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो फिलहाल इतना ही देखेंगे, बाद बाकी और जैसे जैसे टॉपिक के डेप्थ में जाएंगे देखना ये सारा खत्म हो जाएगा, एकदम हवा में उड़ आ जाएगा इस, समझा? ये सब बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, तब देखेंगे। फिर जेई वाला कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे करके डाला हुआ है, उस सब हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे पीडीएफ भेजे हुए हैं और मॉड्यूल भी मिल ही जाएगा आप लोगों को मंडे तक, तो उसमें से उठा के देखिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। और एग्जाम में जो आप लोगों को क्वेश्चन टेस्ट में आएगा, जितना पढ़ाए और पीआईक्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वहां से पूछेंगे, उसको भी प्रैक्टिस करना है।